ये चल रहा है दोनों का खेल। ये ध्रुवा का लंच डब्बा पैक, तो यहाँ पे डाल दिए पराठे, आलू की सब्जी, एक एप्पल और कुछ ब्रेक में खाने के लिए कुछ नमकीन। और यहाँ पे एनसीसी के जवान करने लग गए हैं ब्रेकफास्ट। मामा दे रहे हैं यहाँ से प्रवचन। सुबह उठाओ 5 बजे पढ़ने के लिए, तो ऐसा करता है कि 5 बजे तो मैं खुद ही उठ जाऊँ। बेटा उठता नहीं है तू, मैं जिन आ गया स्कूल में तेरी रिपोर्ट पूरी करवाऊंगा। स्कूल वाले भी देख रहे होंगे तेरे यहाँ में, तेरी एक्टिविटी दिख रही है। मुझे पढ़ता नहीं है, एकदम सोए रहता है, खा और सो। कोई बात नहीं, करवा देना झूठ बोले हुए तो। ठीक है आज ही आता हूँ, बोला तेरी बस में बैठ के आज ही आता हूँ। सुबह का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ बड़ा सही, ऐसा मौसम बड़ा सही लगता है मेरे को, क्योंकि बादल लगे हुए हैं तो बारिश आने के चांसेस हैं, और चल रही है अभी मस्त ठंडी ठंडी सी हवा। देव देखने चले गए हैं कुछ हरी सब्जियाँ, तुरई के बेल लगे हैं, तो देखते हैं तुरई उरई लगी है या नहीं लगी करके। एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग, तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट और मिलने आ गई हूँ मैं आपसे। और साथ ही साथ वैसे तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट आज सुबेरे जल्दी हो गई थी, क्योंकि ध्रुव को मुझे भेजना था स्कूल, क्योंकि उसका 2 दिन के बाद आज स्कूल खुला है। और साथ ही साथ मैं अभी तैयार होकर रेडी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है खटीमा हॉस्पिटल कुछ अपने डेली चेकअप करने के लिए, डेली रूटीन चेकअप करने के लिए। और साथ ही साथ मम्मी भी जा रही है मेरे साथ आज चकरपुर तक, पहले मम्मी को चकरपुर छोड़ेंगे, फिर चकरपुर से हम जाएंगे खटीमा, क्योंकि मम्मी की जो चाची है उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो मम्मी जाएगी आज उनसे मिलने के लिए। तो पहले हम मम्मी लोग को छोड़ेंगे मामा के घर में, मम्मी जाएगी फिर मामी के साथ, और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, और हॉस्पिटल से आने के बाद जो आज दिन का लंच होगा हमारा वो फिर से होगा हमारा मामी के घर में, क्योंकि हमको आते आते टाइम लग जाएगा और मम्मी भी नहीं है अभी खाना बनाने के लिए घर पर, और मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आज दिन का जो लंच है वो मामा लोग के यहाँ करेंगे, फिर आएंगे उसके बाद घर पर। तो आज की दिनचर्या में क्या करती हूँ और कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं वो मैं आपको दिखाते रहूँगी, तो ऐसे ही बने रहिए इस व्लॉग में और देखते रहिए। तो चलिए साथ ही साथ कुछ अपने डेली डॉक्यूमेंट पकड़ लिए मैंने, और पानी का बोतल जो कि है बहुत मस्त जीवन में अभी, तो चलते हैं और दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। और मम्मी भी यहाँ पे तैयार होके बैठ गई है चाची से मिलने के लिए, लेकिन जो हमारे जो हम जिनको हमको लेके जाना है वो घर से गायब है छोटी वाली गाड़ी लेके, तो अभी वेट कर रहे हैं फिर चलते हैं मेरी चाची के यहाँ पे। और यहाँ रखे छोटे छोटे से बिल्ली के बच्चे, और ये मम्मी को चकरपुर से छोड़ के आमा को मिलके हम आ गए हैं खटीमा, और खटीमा में अब थोड़ा सा अपना काम वाम निपटाते हैं, फिर धीरे धीरे दिखाते हैं आगे की दिनचर्या और क्या है करके। हॉस्पिटल में बहुत खतरनाक वाली भीड़। तो मैं अपनी फेवरेट डार्क चॉकलेट, और यहाँ पे पति देव कर रहे हैं कुछ घर के लिए चटर पटर की तैयारियाँ, जो चाय के बर्गर नहीं यार वो वाला वो देख लो, बड़ा पाव बनाऊंगी, बड़ा पाव बर्गर ले लो, बना देते बर्गर बना दूंगी। डार्क चॉकलेट खाने के बाद कुछ और नमकीन। ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना हनुमान मंदिर, खटीमा का काफी पुराना मंदिर, तो मिल अब करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा और खाते हैं एक पेटीज। बाय द वे मेरी पेटीज नहीं है, ये मिस्टर पति देव की पेटीज है। हमारा समोसा रखा है। और अब निकल गए हैं खटीमा से हम घर को, तो डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से चकरपुर मामी लोगों के घर, वहाँ खाएंगे पले भात। गए खटीमा से, तो अब थोड़ा सा गाड़ी को भी खिला देते हैं। और आज रात के खाने में मैंने तो स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद लेट वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे सब्जी दही और रोटी।
और ये मम्मी और किधर है दूध, मेरा है बॉर्नविटा वाला दूध, मम्मी का है सिंपल दूध। और यहाँ पर टीवी देखते हैं। और यहाँ पे हम डिनर विनर करके हो चुके हैं, सब लोग फ्री आज जल्दी, क्योंकि आज सोते भी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि आज खटीमा से थोड़ा सा थक के आ गए थे। उसके बाद हालांकि रेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों आज थकान जैसी हुई थी, थकान जैसी हो रही है, तो इसलिए अभी जल्दी सोते हैं और सवेरे की जो दिनचर्या है वो फ्रेश फिर से स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसे बने रहिए इस व्लॉग में और अपना प्यार देते रहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, आज के लिए बाय।